जब गर्लफ्रेंड को घर लेकर आए आदित्य, पिता ने किया ये सवाल। नमस्कार, इस हफ्ते द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर आदित्य नारायण मेहमान बनकर पहुंचेंगे। उनके साथ पत्नी दिया नारायण और बेटे आदित्य नारायण भी दिखेंगे। शो में आदित्य और आदित्य परिवार और निजी जिंदगी से संबंधित कई सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। इसके अलावा पत्नी दीपा भी पिता और बेटे की बॉन्डिंग के बारे में बताएगी। सोनी चैनल के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर इस एपिसोड से संबंधित कई प्रोमो वीडियो शेयर किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार शो में कपिल ने आदित्य पूछते हैं कि कभी ऐसा होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पेरेंट्स से मिलाने के लिए घर लाए हैं और वह आपके पिता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब मैं कॉलेज के दिनों में काफी यंग था तो मैं एक गर्लफ्रेंड को लेकर घर आया था। मैं उन्हें पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। उस दौरान माँ अपने घर में काम में बिजी थी। मैंने सोचा था कि पिता हाय हेलो करने के बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह हमारे साथ ही बैठ गए। आदित्य ने कहा कि उस समय पिता ने कूल बनने की भी कोशिश की। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए गर्लफ्रेंड से बोला कि मेरा बेटा जवान हो गया। इसी तरह मेरी गर्लफ्रेंड पिता का ऑटोग्राफ लेकर चली गई या फिर शर्मिंदा होकर भाग गई। इसके बाद कपिल ने दीपा से पूछा कि सबसे पिता और बेटे में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलते हैं। दीपिका ने आदित्य नारायण की तरफ इशारा किया। इसके बाद आदित्य ने बताया कि पिता हर समय झूठ बोलते हैं। जब वह काफी यंग थे तो उनके पास एक दिन में 4 से 5 रिकॉर्डिंग होती थी। ऐसे में वे कई बार लेट हो जाते थे। जब उनसे लेट होने का कारण पूछा जाता था तो वो गाड़ी पंक्चर हो गई, बीवी नाराज है और पैंट फट गई जैसे बातें बोलकर निकल जाते थे।